हेलो दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक कुन्नूर। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गूगल फॉर्म सर्टिफिकेट्स में कस्टमाइज्ड सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। दोस्तों, सर्टिफिकेट बनाने और सर्टिफिकेट सेंड करने के लिए हमें एक एड ऑन इंस्टॉल करना होगा। वो एड ऑन का नाम है सर्टिफाइम। चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करें क्लिक मोर, क्लिक करें एड ऑन्स और टाइप करें सर्टिफाइम। क्लिक करें सर्टिफाइम, इंस्टॉल करें, क्लिक करें कंटिन्यू, अपना अकाउंट सेलेक्ट करें, क्लिक करें अलाउ और क्लिक करें डन। जैसे ही सर्टिफाइम हम इंस्टॉल करेंगे, हमें एक विंडो क्लोज करना होगा। एक बार क्विज का फॉर्म रिफ्रेश कर लें। जैसे ही हम क्विज का फॉर्म रिफ्रेश करेंगे, हमें एड ऑन का लिंक दिखाई देगा। दोस्तों, क्लिक करें Add-ons, क्लिक करें Certifier और क्लिक करें Show Certifier Controls। दोस्तों, Certifier को Turn On करने के लिए हमें क्लिक करना होगा Turn On और यहाँ पे हम Passing Percentage mention कर सकते हैं। जो student 50% या उससे ज़्यादा score करेगा, उसे हम Certificate send करेंगे। इसी तरह हम अलग-अलग Percentage यहाँ पे select कर सकते हैं। मैं select करूँगा 50%। इसी तरह यहाँ पे Template दिए गए हैं। कई टेम्पलेट दिए गए हैं, जैसे कि ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम एक्सेट्रा। यहाँ पे दिया गया है यूज कस्टम टेम्पलेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कस्टम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करें। दोस्तों, कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें गूगल स्लाइड्स को ओपन करना होगा। गूगल स्लाइड्स में मैंने एक सर्टिफिकेट बनाई है। इस सर्टिफिकेट में हम कुछ टैग्स मेंशन करेंगे, जैसे कि एक टैग है, टैग का नाम है फुल नेम। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे टाइप किया हूँ फुल नेम। ये फुल नेम जो है टैग का नाम है। इस टैग को हम डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। इसी तरह परसेंटेज, ये भी एक टैग है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह डेट, ये भी एक टैग है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह सर्टिफिकेट आईडी, जो हर सर्टिफिकेट के लिए यूनिक आईडी होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सर्टिफिकेट आईडी। दोस्तों, एक बार जैसे ही हम ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, हमें ये सर्टिफिकेट सेव करनी होगी। सर्टिफिकेट का नाम मैंने मेंशन किया है सर्टिफिकेट 1। अब हम आएंगे ब्लैंक क्विज पे। टेम्पलेट में हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम टेम्पलेट और सेलेक्ट करें सेलेक्ट ए न्यू फाइल और टेम्पलेट का नाम है सर्टिफिकेट 1। क्लिक करें सेलेक्ट और क्लिक करें सेव चेंजेस। इसको क्लोज करें। दोस्तों, हम लोगों ने ये टेस्ट क्रिएट किया है या क्विज क्रिएट किया है। चलिए हम ये टेस्ट शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए सेंड पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें और ये लिंक कॉपी कर लें। इसका हम लिंक शॉर्टन करते हैं। क्लिक करें शॉर्टन यूआरएल और कॉपी करें। मैं और एक नया विंडो ओपन करता हूँ या नया टैब ओपन करता हूँ। क्लिक करें न्यू टैब, यूआरएल को पेस्ट कर दें। मैं अपना ईमेल आईडी टाइप करता हूँ यहाँ पे और अपना फुल नेम टाइप करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर ऑफ स्काई, मैं टाइप करूंगा येलो। हु इज पीएम ऑफ इंडिया, मैं टाइप करूंगा नरेंद्र मोदी और क्लिक करें सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट क्लिक करूंगा, मुझे अपने क्विज के स्कोर भी दिखाई देगा। इसी तरह मेरी जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, मेरे ईमेल आईडी को चले जाएगी। चलिए हम क्लिक करते हैं सबमिट। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। स्कोर को देखने के लिए क्लिक करें व्यू स्कोर। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन रॉन्ग, सेकेंड क्वेश्चन इज करेक्ट। मैंने स्कोर किया है 1 out of 2। चलिए अब हम ईमेल ओपन करते हैं। ईमेल में दोस्तों, अपने ईमेल आईडी में हम देख सकते हैं हमें एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। क्लिक करें सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन और क्लिक करें सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहां पे हम देख सकते हैं मेरा सर्टिफिकेट, दिस इज अवार्डेड टू, मेरा नाम दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है स्कोर, इसी तरह डेट और सर्टिफिकेट की यूनिक आईडी भी दी गई है। दोस्तों, इस तरह हम गूगल स्लाइड को इस्तेमाल करते हुए कस्टमाइज्ड सर्टिफिकेट बना सकते हैं गूगल फॉर्म्स क्विज के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।